नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शोल्डर वायर के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि ये जो शोल्डरिंग वायर है, ये शोल्डरिंग वायर किस धातु का बना होता है। बहुत से शोल्डरिंग वायर मार्केट में अवेलेबल है, तो ये मेरे पास जो शोल्डरिंग वायर है ये भारती का है, आप देख सकते हैं। ये भी एक शोल्डर वायर की तरह ही है, लेकिन ये शोल्डर वायर बनता किससे है तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये भी एक वायर है, ये भी एक वायर है। ये शोल्डर वायर सिल्वर वायर की तरह दिखता है, लेकिन ये सिल्वर वायर नहीं है। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब देखिए, हम इससे शोल्डरिंग आयरन से जैसे ही शोल्डरिंग करते हैं तो ये पिघलने लगता है, और एक वायर मेरे पास ये है, इसको हम पिघलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नहीं पिघल रहा है, ये नहीं पिघल रहा है, और ये वाला पिघलता है, बहुत जल्दी पिघल जाता है। तो इसका क्या कारण है, ये किस धातु से बना होता है? और ये जो वायर आप देख रहे हैं ये एक सिल्वर का वायर है, सेम इसी तरह दिखने वाला, आप देख सकते हैं दोनों सेम वायर दिख रहे हैं। लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये क्यों नहीं पिघलता, ये क्यों पिघल जाता है? तो दोस्तों, ये जो सोल्डरिंग वायर आता है ये दो धातुओं के मिश्रण से बना होता है। इसमें दो धातु कौन सी होती है? इसमें 60% मतलब 60% तो टिन से बना होता है, और 40% इसमें शीशा मिलाया जाता है। तो दो धातुओं के मिश्रण से ये सोल्डरिंग वायर बनता है। इसमें 60 और 40, आप देख सकते हैं इस पर लिखा भी रहता है, यहाँ पे लिखा है 60-40, ग्रेड इसका है 60-40, मतलब 60% इसमें टिन है और 40% शीशा है। दोनों को मिला करके ये सोल्डरिंग वायर बनाया जाता है। और SWG स्टैंडर्ड वायर गेज 18 नंबर, ये 18 नंबर का वायर है, ठीक है। इसमें वायर 19 नंबर भी हो सकता है, 20 नंबर भी हो सकता है, और 17 नंबर 16 नंबर भी हो सकता है। जितना इसका वायर घटेगा, मतलब जैसे 16 नंबर लेंगे तो ये वायर की मोटाई बढ़ेगी, और जैसे 20 नंबर लेंगे तो इस वायर की मोटाई कम होगी। इस तरह से ये मोबाइल रिपेयरिंग के लिए इसमें 20 नंबर 21 नंबर वायर लिया जाता है। और हम जो रिपेयरिंग करते हैं, उनमें ये 18 नंबर वायर ही सबसे अच्छा रहता है। तो बहुत से लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, कई लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सोल्डरिंग वायर किस धातु से बना होता है। तो दोस्तों, दो धातुओं के मिश्रण से ये बनता है। इसको पिघलने के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और जो ये सिल्वर का वायर है इसको पिघलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसी वजह से ये जल्दी पिघलता है और दो धातुओं से बना होता है। तो दोस्तों, यही एक छोटा सा वीडियो था। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।